पुष्पराज जैन के खिलाफ छापेमारी में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पुष्पराज जैन के ठिकानों से करीब 2.5 करोड़ कैश बरामद हुआ है। इस छापेमारी में अभी तक 30 लाख का सोना और 60 लाख की चांदी को भी बरामद किया गया है। कोलकाता की शेल कंपनी से 10 करोड़ की लेन देन का मामला भी सामने आया है। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है। पुष्पराज जैन को लेकर आयकर विभाग की टीम जांच पड़ताल कर रही है और पुष्पराज के 35 ठिकानों पर अभी भी छापेमारी जारी है। और अब इस पूरे मामले में लगातार जो अपडेट है वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। करीब 2.5 करोड़ का कैश बरामद किया गया है इस छापेमारी के दौरान, और 30 लाख का सोना और 60 लाख की चांदी भी बरामद की गई है। इसके अलावा कोलकाता की शेल कंपनी के माध्यम से करीब 10 करोड़ के लेन देन का मामला है। और नीरज मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता नीरज, काफी समय से छापेमारी की जा रही है, अब धीरे धीरे वो चीजें सामने आने लगी है, क्या क्या बरामद हुआ है उनके यहाँ से? जी देखिए, जब से पुष्पराज जैन के यहाँ से छापेमारी हुई थी तब से लगातार लोगों की निगाहें उस पर थी कि आखिर क्या क्या बरामद होता है। लोगों की निगाहें उस पर थी कि आखिर क्या क्या बरामद होता है, चूंकि छापेमारी बहुत लंबी थी। और अगर इस छापेमारी की अभी तक की बात करें तो इसमें 2.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है, 30 लाख के करीब सोना बरामद हुआ है और 60 लाख के करीब चांदी बरामद हुई है। इसके अलावा जो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट जो चीजें बरामद हुई है वो है डॉक्यूमेंट्स, और ये डॉक्यूमेंट्स ही बताएंगे कि आखिर जो टैक्स चोरी का ये मामला है ये कितना बड़ा है, क्योंकि सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स में रहती हैं। पिछले साल इस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या जमा किया गया था, इस बार कितना है, तो कितना लेन देन है, तो कुल मिला के अभी डॉक्यूमेंट्स की जो बात है उस पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं, उसका मिलान किया जा रहा है, वो पिछले साल कितना जमा किया गया था उससे इस समय टैली किया जा रहा है, उसके बाद पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कितनी बड़ी हेरफेर की गई थी या फिर नहीं की गई थी। तो तमाम चीजें अभी परत के दायरे में हैं कि आखिर क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट्स के रूप में, कितनी जो टैक्स चोरी का ये पूरा मामला है आयकर विभाग का, तो कितनी बड़ी टैक्स चोरी है ये इसके बाद ही पता चलेगा जब डॉक्यूमेंट्स का पूरा मिलान होगा। नीरज, एक चीज देखी गई है, इस तरह के जितने भी मामले होते हैं हम देखे हैं कि जो शेल कंपनियां होती है उनके माध्यम से टैक्स चोरी का पूरा खेल रचा जाता है। और यहाँ पर भी ऐसी खबर आ रही है कि कोलकाता की कोई शेल कंपनी वहां से करीब 10 करोड़ के लेन देन का मामला, कुछ और जानकारियां निकल के सामने आ रही है। चलिए नीरज आपके पास आए। हाँ नीरज, इस पूरे मामले में एक खबर ये भी आ रही है कि अब जो शेल कंपनियां थी, शेल कंपनियों के माध्यम से ये पूरा खेल होता है, जो टैक्स चोरी का पूरा खेल होता है, इस पूरे मामले में भी ये बात सामने आई है कि कोलकाता की शेल कंपनियां जहां पर 10 करोड़ रुपए के लेन देन का पूरा मामला है, इसके अलावा 2.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ है, 30 लाख सोना 30 लाख का और 60 लाख की चांदी वहां से बरामद की गई है। तो ये अभी तक जो बड़ी खबर निकल के आ रही है अंदर से बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि लगातार छापेमारी काफी लंबे समय से की जा रही है और इसको लेकर सियासत हो रही थी। अभी तक समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे थे कि भाई हमारे MLC है उनके यहाँ छापेमारी की जा रही है, वहां से कुछ नहीं मिल रहा है, BJP को हार का डर सता रहा है, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे चीजें वहां से सामने आने लगी है। अभी जो खुलासा हुआ है उसमें करीब 2.5 करोड़ रुपया कैश मिला है, 30 लाख रुपए के दाम का सोना और 60 लाख की चांदी, इसके अलावा कोलकाता की शेल कंपनियों से 10 करोड़ के लेन देन की बात सामने आई है। तो अब धीरे धीरे जो परतें हैं वो खुल रही हैं, कुछ अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। अब देखना ये होगा कि जब उसकी जांच पड़ताल की जाएगी तो ये बात सामने आएगी कि भाई ये जो टैक्स चोरी का मामला है उसको लेकर क्या अपडेट है। नीरज, सवाल मेरा ये भी था कि ये जो बरामदगी हुई है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो पूरा खेल होता है वो शेल कंपनियों के माध्यम से होता है, और इस मामले में भी खबर आ रही है कि भाई कोलकाता की कोई शेल कंपनी है वहां पे करीब 10 करोड़ के लेन देन का मामला है, और क्या कुछ मामले सामने आए हैं? जी देखिए, जो आयकर की टीमें होती हैं वो ज़्यादा चीज़ें जो कलेक्ट करती हैं वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करती हैं, और पुष्पराज जैन के यहाँ से भी बताया जा रहा है कि तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए गए हैं, और इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही पता चलेगा जो टैक्स की चोरी है, जो आयकर की चोरी है वो आखिर कितनी बड़ी है। हो सकता है ये चोरी बहुत बड़ी हो, चूँकि इस पूरे डॉक्यूमेंट्स का मिलान किया जा रहा है कि पिछले साल कितना टैक्स दिया गया था, उसके पहले कितना दिया गया था और रियल में स्थिति क्या है, तो तमाम चीज़ों को जब उसका आकलन किया जाएगा, उसका टैक्स का मिलान किया जाएगा, लास्ट में ये पता
पता चलेगा कि कितनी बड़ी टैक्स चोरी थी या नहीं थी। तो अभी बहुत कुछ चीजें अभी आने वाले वक्त में होना बाकी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का सीधे इन्वॉल्वमेंट होना इसमें पाया गया कि जिस तरह से पुष्पराज जैन MLC हैं समाजवादी पार्टी के, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे और सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, वो अपनी सभाओं में पुष्पराज जैन का लगातार नाम लेते रहे। तो इससे पूरा मामला कहा जाए काफी हाइट में था और सबकी निगाहें थी कि आखिर पुष्पराज जैन के यहाँ से क्या पीयूष जैन की तरह जो कैश है भारी मात्रा में वो बरामद होगा। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ, करीब 2.5 करोड़ का ही कैश इस पूरे मामले में बरामद हुआ है अभी तक।